रोड शो के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने उपचुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत के दावे किए। ईटीवी संवाददाता ने उनसे खास बात की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इस वक्त रोड शो अलग अलग रास्तों से होता हुआ गुजर रहा है और किस प्रकार की भीड़ है वो साफ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की भीड़ की उम्मीद उनको थी। परनामी जी, इस प्रकार की भीड़ की उम्मीद आपको थी क्या? लोगों में वसुंधरा जी के द्वारा क्या विकास के कामों के प्रति उत्साह था, वो उत्साह आज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में अलवर शहर के लोग यहाँ पर वसुंधरा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ हम केवल मात्र विकास के कारण इस अलवर जिले में पुनः हमारा सांसद जिताएंगे। इतना क्रेज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर है, आपको ये उम्मीद थी इतनी भीड़ की? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों में उत्साह था, लोगों में प्यार था, लोगों में समर्पण था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सभी कौमों को साथ लेकर के चली, 36 की 36 कौमों को साथ लेकर के चलती हैं और जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया और विशेष रूप से अलवर जिले में 6,668 करोड़ का जो विकास के काम कराए वो आपको आज दिख रहा है यहाँ पे। आप जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, बहुत बड़ी पब्लिक है यहाँ पर, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी यहाँ पर? पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो ये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिनका कहना था कि पहले से अधिक मतों पर भाजपा प्रत्याशी है जो है वो यहाँ पर जीतने वाला है। कैमरा पर्सन वीनू के साथ सौरभ गृहस्थी, ईटीवी न्यूज जयपुर।